Good morning students, in our previous video we have studied about parts of computer like monitor, keyboard, mouse, CPU, speakers and printer. These parts of computer. So students, in this video we have studied about keyboard. So what is mean by keyboard? देखो बच्चों, keyboard किसे कहना है? Computer का जो keyboard होता है, यहाँ पर आपको एक computer के keyboard का यहाँ पर picture दिया है. इस तरीके से कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है वह ऐसा होता है, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, इसको आपको ऑब्जर्व करना है. सो द कीबोर्ड हैज मेनी बटन्स ऑन इट, दे आर कॉल्ड कीज. अभी इस कीबोर्ड पे बहुत सारे बटन्स होते हैं और उन बटन्स को क्या कहते हैं? कीज. लाइक नंबर कीज, लेटर कीज, स्पेस बार, एंटर की, कैप्स लॉक, बैक स्पेस, यह अलग अलग प्रकार के कीज इस कीबोर्ड में होते हैं और इन कीज का यूज क्या है यह हमें इस लेसन में जानना है. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 6 एंड लुक ऑन इट. ओके, द नंबर कीज आर यूज टू राइट नंबर्स. देखो यहां पर कीबोर्ड में नंबर कीज होते हैं और नंबर कीज का यूज क्या है? टू राइट नंबर्स. अगर हमें नंबर्स लिखने होते हैं तो नंबर कीज का यूज किया जाता है. और यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, इस येलो कलर में नंबर कीज आपको यहां पर इस कीबोर्ड में बताए गए हैं. देन द लेटर कीज आर यूज टू राइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. और अगर समझो आपको कुछ वर्ड्स और लेटर्स लिखने होते हैं, सेंटेंसेस लिखने होते हैं, तो कौन सी कीज का यूज किया जाता है? लेटर कीज. और लेटर कीज यहां पर आप देख सकते हो बच्चों, ये देखो, ये है पूरे लेटर कीज. इससे आप क्या कर सकते हो? वर्ड्स टू राइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. अब आपको अगर वर्ड और या सेंटेंसेस लिखने होते हैं तो लेटर कीज का यूज किया जाता है. देन थर्ड वन इज स्पेस बार. अभी तीसरी कीज कौन सी हमें देखनी है? स्पेस बार. अभी स्पेस बार, इस कीज का यूज क्या है? देखो, द स्पेस बार इज यूज्ड टू पुट, यह देखो, द स्पेस बार इज यूज्ड टू पुट स्पेसेस बिटवीन लेटर्स और वर्ड्स. अभी स्पेस बार का यूज क्या है बच्चों? देखो, स्पेसेस बिटवीन लेटर्स और वर्ड्स. अगर हमें लिखे हुए लेटर में या वर्ड में अगर हमें स्पेस देनी होती है, जगह छोड़नी होती है, तो हमें कौन सी कीज का यूज करना होता है? स्पेस बार. और स्पेस बार यहाँ पर इस कीबोर्ड में कौन सा है? ये वाली की जो है, यह है स्पेस बार. इस कीज का यूज क्या है? टू पुट स्पेसेस बिटवीन लेटर्स और वर्ड्स. अगर हमें लेटर में या वर्ड में अगर हमें स्पेस देनी होती है तो स्पेस बार इस कीज का यूज किया जाता है. ओके, देन देखो द एंटर की. अभी एंटर की जो होती है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर ENTER, एंटर, ये वाली जो की होती है कीबोर्ड पे, इस की का यूज क्या है? अभी देखो, द एंटर की इज यूज्ड टू गो टू द नेक्स्ट लाइन. अगर आपको, आपने कुछ मैटर लिखा हुआ है मॉनिटर पे, आपने कुछ लिखा हुआ है और आपको नेक्स्ट लाइन में जाना है, आगे की लाइन में जाना है, तो आपको कौन सी की को प्रेस करना पड़ेगा? यस, एंटर की को. एंटर की का काम क्या है? टू गो टू द नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर की का यूज किया जाता है. देन नेक्स्ट की, अभी नेक्स्ट की का कौन सा नाम है? देखो, द कैप्स लॉक. अभी नेक्स्ट की कौन सी है कीबोर्ड की? कैप्स लॉक. और कैप्स लॉक का यूज क्या है? देखो, द कैप्स लॉक की इज यूज्ड टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स. अगर आपको मॉनिटर पे कैपिटल लेटर्स में अगर कुछ राइटिंग करनी होती है तो आपको कीबोर्ड में से कौन सी की का यूज करना है? कैप्स लॉक. और आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, कैप्स लॉक कौन सा है? ये वाला. ये देखो, यहाँ पर इसका स्पेलिंग भी दिया हुआ है, CAPSLOCK, कैप्स लॉक. अगर हम एक ही दबाते हैं, एंटर करते हैं, तो क्या होता है? कैपिटल लेटर्स हम लिख सकते हैं. इस की का यूज क्या है? यूज्ड टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स. अगर हमें कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है तो कैप्स लॉक यह जो की है वह हमें यूज करनी है. देन बैक स्पेस. अभी बैक स्पेस की का क्या यूज है? देखो, द बैक स्पेस की इज यूज्ड टू इरेज व्हाट यू हैव टाइप. अगर आपने जो कुछ मैटर टाइप किया हुआ है उस मैटर में से अगर आपको कुछ लाइन इरेज करनी है तो आपको कौन से की का यूज करना है? बैक स्पेस.
और बैक स्पेस यहाँ पर इस कीबोर्ड में कहाँ पर दी हुई की आप देख सकते हो बच्चों, ये है बैक स्पेस। अगर हम इस एरो को अगर मतलब प्रेस करते हैं तो अगर हमें उस अगर हमने बहुत सारे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं लेकिन उनमें से अगर हमें एक सेंटेंस क्या करना है, कट करना है, इरेज करना है, तो अगर हम इस की को अगर हम प्रेस करते हैं तो वह सेंटेंस उसमें से इरेज हो जाता है। मतलब इरेज करने के लिए हमें कौन सी की का यूज़ करना है, बैक स्पेस। सो स्टूडेंट्स, हमने आज इस वीडियो में कौन कौन से कीज देखे हैं, नंबर कीज, लेटर कीज, नंबर कीज, लेटर कीज, स्पेस बार, एंटर की, कैप्स लॉक और बैक स्पेस। इन की का यूज़ क्या है और वह हमें कब यूज़ करने हैं वह इस वीडियो में हमने आज जाना है। सो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने कुछ अभी आपने जो कुछ सीखा है उस पर आधारित आपको यहाँ पर एक्सरसाइज है और वह आपके पेज नंबर 6 पर ही है। तो देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आपको अभी आंसर्स बताने हैं। सो स्टूडेंट्स, लुक ऑन योर वर्कबुक पेज नंबर 6। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, विच कीज आर यूज टू राइट नंबर्स। नंबर्स लिखने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है। सो कौन सी की यूज करते हैं, नंबर कीज। सो हमें आंसर कैसे लिखना पड़ेगा, नंबर कीज आर यूज टू राइट नंबर्स। देन सेकंड क्वेश्चन, विच कीज आर यूज टू राइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अभी यहाँ पर आपको पूछा है वर्ड्स और सेंटेंसेस लिखने के लिए कौन सी कीज यूज में लाई जाती है, कौन सी की का यूज करते हैं हम। वेरी गुड, लेटर की। कौन सा, लेटर कीज का यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आंसर कैसे आएगा, द लेटर कीज आर यूज टू राइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इज गिवन हियर, विच की इज यूज टू पुट स्पेसेस बिटवीन लेटर्स और वर्ड्स। लेटर और वर्ड्स में अगर हमें स्पेस देना होता है तो कौन सी की का यूज करना है। वेरी गुड, स्पेस बार। कौन सी की का यूज करना है, स्पेस बार। देन फोर्थ क्वेश्चन है, विच की इज यूज टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, यस एंटर की। सो वी विल राइट हियर, एंटर की इज यूज टू गो टू द नेक्स्ट लाइन। अगर हमें नेक्स्ट लाइन में जाना होता है तो कौन सी की को प्रेस करना है, एंटर की को। देन विच की इज यूज टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स। अगर हमें कैपिटल लेटर्स में टाइप करना होता है तो कौन सी की का यूज करना है। वेरी गुड, कैप्स लॉक। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ कैप्स लॉक, CAPS, कैप्स LOCK, लॉक। कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप इन कैपिटल लेटर्स। देन लास्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, विच की इज यूज टू इरेज व्हाट वी हैव टाइप। अगर हमने टाइप किए में से अगर कुछ सेंटेंस या वर्ड हमें इरेज करना है तो कौन सी की का यूज करना है, बैक स्पेस। और बैक स्पेस का स्पेलिंग क्या है, BACKSPACE, बैक स्पेस। बैक स्पेस की इज यूज टू राइट यूज टू इरेज व्हाट वी हैव टाइप। अगर हमने कुछ टाइप किया है और उसमें से इरेज करना है तो बैक स्पेस की का यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड अवर थर्ड लेसन। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ लेसन, यस कीबोर्ड। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने आज कीबोर्ड जो लेसन है वह आज हमने सीखा है। तो आपको इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर से एक्सरसाइज है वह आपको गुड हैंडराइटिंग में छुड़ानी है। देन स्टूडेंट्स, ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 7 एंड लुक ऑन इट। लुक एट द पिक्चर ऑफ द कीबोर्ड, कलर द फॉलोइंग कीज एज गिवन बिलो। यहाँ पर आपको कीबोर्ड का पिक्चर दिया है और उसमें से आपको अभी कलर देना है, कौन सी की को कौन सा कलर देना है। लेटर कीज को पिंक कलर देना है, देन नंबर कीज को येलो, स्पेस बार को रेड कलर, एंटर की को ऑरेंज कलर, देन कैप्स लॉक की को आपको ब्लू कलर देना है, बैक स्पेस की को ग्रीन कलर देना है, देन फुल स्टॉप को आपको ब्राउन कलर देना है और कॉमा को आपको पर्पल कलर देना है। सो स्टूडेंट्स, यह जो कीज है वह आपको इस कीबोर्ड में देखने हैं और उनको जो आपको कलर देने को कहे हैं वही कलर आपको इस कीबोर्ड में देने हैं। ओके, थैंक यू।